एवेंजर्स एंड गेम का टिकट आने के जस्ट आधे घंटे के अंदर ही पूरा का पूरा बुक माई शो और पेटीएम ऐप क्रैश कर गया। और मैं बुक करने जब जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि सारे के सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए, कोई भी टाइम का टिकट बचा ही नहीं, यहाँ तक कि 26 के नहीं 27 और 28 के भी सारे टिकट बुक हो गए। और सारे टाइम के, चाहे वो सुबह का शो हो या दोपहर का या रात का, सारे के सारे शो हाउसफुल जा रहे हैं। और ये देखकर मुझे बहुत डर लग गया कि कहीं मैं ही टिकट बुक ना कर पाऊं। Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir. Hello super fans, मेरा नाम सोहेल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो जैसा कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं तो आपको पता होगा कि हम इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंक्लूजन, जिसमें हम आज आ गए एवेंजर्स एंड गेम के टिकट्स के बारे में बात करेंगे और 12 बजे आ रहे एवेंजर्स एंड गेम के टिकट के बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि आ गए हैं, आने वाला है, आखिर ये पकड़ रहा है, तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। बात यह है कि एवेंजर्स एंड गेम का टिकट जो अभी आया है ये सिर्फ हमारे यहाँ के सिर्फ एक ही हॉल में आया है, वो है आईनॉक्स वेगा सर्कल, और वो भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। अभी हिंदी, तेलुगु, तमिल में आने बाकी है और वो आई थिंक 12 बजे पक्का आ जाएगा, रात के 12 बजे, नॉट एट दिन के 12 बजे। अगर आप दिन के 12 बजे तक वेट करेंगे तो उसके बाद मेरी गारंटी नहीं कि टिकट्स आपको मिलेंगे, शायद 100% गारंटी देता हूँ कि आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे के टिकट्स तो बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्जन के जब इंडिया में सारे के सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो सकते हैं वो भी आधे घंटे के अंदर और क्रैश हो सकता है वेबसाइट, तो फिर हिंदी के और तमिल तेलुगु के आते ही पता नहीं कितने देर के लिए क्रैश होगा। इसीलिए 12 बजे जैसे ही टिकट्स अवेलेबल होंगे आप टूट पड़ना टिकट्स लेने के लिए। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सबसे पहले टिकट ले लें। तो अब बात जब टिकट की हो गई है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि एवेंजर्स एंड गेम का स्क्रिप्ट कौन सा ऐसा एक्टर है जिसने पूरे की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ रखा है? जो एकमात्र एक्टर है वो और कोई नहीं, हमारे आर डीजे सर जी है, रॉबर्ट डोनी जूनियर सर जी। इन्होंने सारे के सारे एवेंजर्स एंड गेम के स्क्रिप्ट को पढ़ रखा है और यही एक बंदे हैं जिन्हें पता है कि एवेंजर्स एंड गेम में क्या होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा। तो मैं आपको राय देता हूँ कि एवेंजर्स एंड गेम की कोई भी बात रॉबर्ट डोनी सर जी से ना पूछे, क्योंकि उन्हें सब बात पता है, अगर वो बोल दिए तो काफ़ी बात स्पॉइल हो जाएगी, अगर स्पॉइल हो गई तो आपका ही मजा खराब हो जाएगा। तो आज मैं कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस अब विनर डिक्लेयर कर देता हूँ। जिन जिन लोगों ने कमेंट पढ़े हैं उन सबका नाम मेंशन कर देता हूँ और आपसे एक नया सवाल पूछ लूंगा, और उसके बाद जो भी विनर होगा उसे मैं एक पास दूंगा, जिस पास के द्वारा आप एवेंजर्स एंड गेम की टिकट को आराम से परचेज कर सकते हैं, और मैं ये जल्द से जल्द दे दूंगा क्योंकि कल आपको टिकट बुक भी करनी है और अभी मुझे भी टिकट बुक करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम और काम बहुत ज़्यादा है। तो जस्ट वीडियो डालने के बाद मेरा काम यही है कि बुक माई शो और पेटीएम में अंदर बाहर करते रहना ताकि टिकट मेरे हाथ लग जाए। तो फाइनली टाइम इज कम बैक। अब मैं उन बंदों का नाम लेने वाला हूँ, ऐसे ये बंदे नहीं है, ये बंदा तो मैं हूँ, ये तो सुपर हीरोज हैं, और इन सुपर हीरोज से मैंने एक सुपर सा सवाल पूछा था तो उनमें से काफ़ी लोगों ने जवाब दिया, तो उन सुपर बंदे का यानी कि सुपर हीरो फैंस का अब नाम लेने की बारी है। उसके बाद उनमें से एक विनर डिक्लेयर होगा जिसने सबसे पहले जवाब दिया था। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा अमर असरफ जी का, जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। उसके बाद अमित भंसल जी का, इन्होंने भी सही आंसर दिया। इसके बाद बाबू शर्मा का, इन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया। उसके बाद संजय पादिकर, इन्होंने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। उसके बाद द शो स्टॉपर ने, इन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया। अब जो जिन्होंने सही आंसर दिया उनका नाम है हर्षल बगाडे और ये अब तो मेरे रेगुलर व्यूअर बन चुके हैं। इसके बाद सही जवाब दिया अभिषेक मोदक जी ने, इन्होंने भी बहुत अच्छा सही क्विक आंसर दिया, बट विनर तो कोई और ही हुआ। आप सभी ने बहुत अच्छा ट्राई किया, इसके लिए आपके लिए तो क्लैप होने चाहिए, बट अभी क्लैप आपको सुनाई नहीं देगा, इससे अच्छा आप अपने लिए क्लैप खुद से ही बजा लें। तो बजा रहे हैं ना, मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही। ओह हाँ, बसते हुए देख गया, हाँ हाँ ये बंदा बजा रहा, चलिए चलिए इसी तरह बजाते रहिए, अब आवाज़ आ रही है, आवाज़ ज़्यादा हो रही है। चलिए बहुत अच्छा, आपने अपने लिए क्लैप किया, मगर विनर नाम डिक्लेयर करने का वक्त आ गया है,
और वो और कोई नहीं द वन एंड ओनली छन्ने पटेल, जिन्होंने सबसे क्विक आंसर देकर ये ब्यूटीफुल टी शर्ट अपने नाम कर लिया है। तो अब फाइनली वक्त आ गया है एक नए सवाल का, और सवाल से पहले उसमें दिए जाने वाले इनाम का। तो आपको इनाम मिलेगा एवेंजर्स एंड गेम का पास, जो पास से आप अपने टिकट आराम से बुक कर सकते हैं बिना किसी कैश की सहायता से। तो उससे पहले आप सभी से थैंक यू कहना चाहूँगा जो आप इतने बड़े एवेंजर्स एंड गेम महापर्व में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो पर लाइक करते हैं, और खासकर जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन तो सर चढ़ कर बोलता है, इतना कि हम पूरे बस्ती में नाक उठाकर घूमते हैं सिर्फ आपकी वजह से। और मेरे दूसरे चैनल सोहेल द वॉइस शो के वीडियो की वजह से मैं जब शादियों में जाता हूँ तो बहुत अच्छा ट्रीट मिलता है, एक बिल्कुल स्टार की तरह। तो वो सब बात छोड़ते हैं और अब आते हैं आज के सवाल की तरफ। कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्रेकर कौन यूज़ करता था और उसका प्लैनेट का नाम क्या था? ये दो नहीं एक ही सवाल है कि स्टॉर्म ब्रेकर कॉमिक्स में कौन यूज़ करता था और उसका प्लैनेट का नाम क्या था। क्विकली आंसर दीजिए और जीत जाइए एवेंजर्स एंड गेम का टिकट पास। तो सवाल ख़त्म, तो अब वीडियो को और क्या आगे बढ़ाऊँ, तो वीडियो को अब एंड करता हूँ। तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया था ब्रूस बैनर और आयरन मैन का नाम लेकर, उन सब के लिए एक छोटी सी बात यह है कि वीडियो को फाइनली एंड कर ही देता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, और वीडियो के चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो पर हल्के हाथ मारें या आयरन मैन के पैर, मैं नहीं जानता, बट वो लाइक बटन दब जाना चाहिए। और कमेंट तो आप करते हैं दबा के, बट और भी ज़्यादा करें। और वीडियो को मैं किसी तरह कोई एम नहीं करूँगा कि आप 1000 लाइक करा दें, 1,00,000 लाइक करा दें, बस आप पे छोड़ देता हूँ कि आपको जितनी मर्जी है उतना लाइक, जितनी मर्जी है उतना सब्सक्राइब चैनल को करवा दें, क्योंकि ये आपका चैनल है ना कि मेरा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ वीडियो क्रिएट करता हूँ, आप लोग इस चैनल को बढ़ाते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और कंक्लूजन के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय। ओ साहब, प्यार से पेट नहीं भरता, सब्सक्राइबर से भरता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।